उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षण का एक विशाल सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को एक संयुक्त बैठक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बैठक में कई संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य बिंदु प्रेरणा ऐप का संयुक्त रूप से विरोध करना है। अब प्रेरणा ऐप के विरोध में सभी शिक्षक संगठन एक साथ एक मन से सरकार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। पहले सरकार प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था का सुधार करे, हमारी मांगों को पूरा करे, उसके बाद ही शिक्षकों को प्रेरणा ऐप मंजूर होगा। दिनेश शर्मा जी ने ये सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेरणा की लड़ाई ब्लॉक स्तर से लेकर राजधानी स्तर तक लड़ी जानी है। यह एक लंबी लड़ाई है, हम सभी को इसके लिए तैयार रहना है। प्रेरणा ऐप के विरोध में 6 नवंबर को राजधानी लखनऊ में एक विशाल रैली निकाली जाएगी। इस रैली के द्वारा सरकार को प्रेरणा ऐप का विरोध जताया जाएगा। मुख्यमंत्री से बात कर इस प्रेरणा ऐप में संशोधन कर या इसको समाप्त करने का आग्रह किया जाएगा। इसके बाद प्रेरणा ऐप के सुधार होने तक ये विरोध जारी रहेगा। जब तक प्रेरणा ऐप में सुधार नहीं होता है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अपना विरोध जारी रखेगा। रविवार को एक बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष जसपाल सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक प्रेरणा ऐप की कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तब तक इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और भविष्य में ऐसे किसी भी फरमान का विरोध होगा, इसलिए प्रेरणा ऐप का विरोध जारी रहेगा। इस प्रेरणा ऐप के मामले में एक खबर और भी है कि प्रेरणा ऐप का विरोध शिक्षक कर रहे हैं तो शिक्षा मित्र प्रेरणा ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। हरदोई क्षेत्र से शिक्षा मित्र के प्रेरणा ऐप पर फोटो डालने से गुस्साए एक सहायक अध्यापक ने उसे जान माल की धमकी दे डाली है। साथ ही सख्त चेतावनी दी है कि अगर फिर उसने ऐप का प्रयोग किया तो उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक इस प्रेरणा ऐप का विरोध पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मित्र ने अपने खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डीएम को शिकायत पत्र लिख दिया है। इस शिक्षा से जुड़ी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको समय से मिले। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ ही गोपाल सिंह, नमस्कार।